सो दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत ही मजे मजे की टेक न्यूज चल रही हैं, जिनको पहुंचाएंगे हम आप तक। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं टेक्नो अदनान यूट्यूब चैनल। सो आज की ये वीडियो हमारे चैनल की 6वीं टेक न्यूज वीडियो होने वाली है। इस वीडियो से पहले की जितनी भी टेक न्यूज वीडियो है वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेक न्यूज वीडियो को। सो पहली टेक न्यूज जो हमारे पास मौजूद है वो है फेसबुक के हवाले से। फेसबुक के ऊपर जितने भी जस्टिस फॉर जॉर्ज फ्लॉयड के जो ग्रुप्स थे उन सबको फेसबुक ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि फेसबुक का ये कहना है कि ये तमाम ग्रुप्स जो हैं वो फेसबुक की पॉलिसीज़ को मुतासर कर रहे हैं, इनऑथेंटिक पेजेस हैं ये। सो इन सबको फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है कुछ पैरामेडिक्स के हवाले से। उन पैरामेडिक्स का कहना है कि कोरोना वायरस की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनको दिन में काफ़ी दफ़ा बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें से एक पैरामेडिक थॉमस नॉल्स का कहना है कि उनके काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पढ़ा है कि अगर वो कोरोना वायरस के क्राइसिस के दौरान हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनको कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे पैरामेडिक का कहना है कि वो जो है लॉस में जा रहे हैं और लोगों को भी मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है कोरोना वायरस की क्राइसिस के हवाले से। सो आप लोग भी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको लगती है कि मिसगाइड है कोरोना वायरस के हवाले से, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन से बच के रहें। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है हमारे गेमिंग हीरो के हवाले से, कि चाइना के एक मोस्ट पॉपुलर ई स्पोर्ट्स प्लेयर जिनका नाम है जियान ज़ियाओ, वो जो है ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। उनकी अभी उम्र 23 साल है लेकिन वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे गेमिंग हीरो बहुत ही जल्द वापस आएंगे और उनकी सेहत भी बहुत ही जल्द अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है स्नैपचैट के हवाले से। स्नैपचैट ने USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको प्रमोट करना बंद कर दिया है, क्योंकि स्नैपचैट का कहना है कि वो अकाउंट जो है पब्लिक में रेशियल वायलेंस फैला रहा था। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है एक इंडियन ऐप मेट्रॉन के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना के दरमियान हिमालय बॉर्डर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। सो इन मसले मसाइल के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि आपके फ़ोन से स्कैन कर सकती है कि कौन कौन से ऐप्स जो है वो चाइना की कंपनी ने डेवलप किए हैं। सो इस ऐप का नाम मेट्रॉन था और इसके रिलीज़ होते ही तकरीबन 10 दिन के अंदर इसने मिलियंस ऑफ डाउनलोड हासिल कर लिए थे। उसके बाद अब क्या हुआ, अब यह हुआ कि गूगल ने इस एप्लीकेशन को टेक डाउन कर दिया है। गूगल ने इस एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है, क्योंकि गूगल का कहना है कि यह एप्लीकेशन उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से, कि माइक्रोसॉफ्ट का न्यू क्रोमियम बेस्ड एज ब्राउज़र जो है वो रिलीज़ हो चुका है। यानी कि अगर आपके पास बाय की हुई विंडो 10 है और आप उसको अपग्रेड करेंगे तो आपको जो उसका माइक्रोसॉफ्ट एज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, उसके अंदर क्रोमियम वाली एडिशन अब हो चुकी है। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है सैमसंग के हवाले से, कि सैमसंग का गैलेक्सी A31 जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 15W की फास्ट चार्जिंग और इसका जो वेरिएंट होगा वो 6GB 128GB वाला सिंगल वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें आपको तकरीबन 35,000 के प्राइस में मिलेंगी। आप इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये फ़ोन बाय करेंगे या नहीं। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है जूम के हवाले से, कि जूम ने अपने तमाम फ्री यूज़र्स के लिए एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो ख़त्म कर दी है। अब एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन आपको सिर्फ जूम के प्रीमियम अकाउंट्स में देखने को मिलेगी। सो आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, इसकी सिक्योरिटी इससे बड़ी है या और डिमोट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है फिटबिट के हवाले से, कि फिटबिट ने एक लो कॉस्ट एमरजेंसी वेंटिलेशन बनाई है जिसका नाम है फिटबिट फ्लो। ये वेंटिलेशन जो है कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है Redmi Note 9 के हवाले से, कि Redmi Note 9 है 25 जून को लॉन्च होने वाला है। इस फोन के अंदर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, रेयर फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा और तो और इसके प्राइसेज आपको तकरीबन 25,500 के करीब देखने को मिलेंगे।
इसकी बाकी तमाम स्पेसिफिकेशन इसके लॉन्च के बाद पता चलेंगी। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है एप्पल के हवाले से कि एप्पल अपना नया आईपैड प्रो जो है वो लॉन्च करने वाला है 2021 में, जिसके अंदर आपको 5G सपोर्ट, मिनी एलईडी डिस्प्ले, A14X की चिप और स्नैपड्रैगन X55 का मॉडल देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है रेडमी एयरबड एस के हवाले से। ये रेडमी के सेकेंड एयरबड्स हैं जिनका नाम है रेडमी एयरबड एस। इसको लॉन्च हुए भी तकरीबन अभी तक एक हफ्ता हुआ है। इसके अंदर इसके तकरीबन 1,00,000 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। तो ये जो एयरबड्स हैं ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन हैं। इन एयरबड्स को आप देख सकते हैं और पाकिस्तानी मार्केट से जाकर बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टेक न्यूज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है इरोज़ के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इरोज़ एक बॉलीवुड कंपनी है, उसने ये फैसला किया है कि इरोज़ जो है वो एपिक गेम्स का अनरियल इंजन 5 जो है उसको जो है बॉलीवुड के अंदर लाएगा। जैसे कि पहले भी इन सब गेम्स के ऊपर फिल्में बनती रही हैं, जैसे कि स्टार वार्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, इसी तरह से अब अनरियल इंजन 5 के ऊपर भी फिल्म बनेगी, जिसका रिलीज आप 2021 के अंदर देख सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की टेक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।